नालंदायक परिचय सम्मान और मूल्य यह समग्र विश्व पाई एक गौरव नालंदार नुआ कैंपस भारतर सामर्थ्यर परिचय भारतर स्वर्णिम अतीतर पुनः जागरण बिहार राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय नुआ कैंपस उद्घाटन सह आरंभ होइछि नवजागरण यह सहित जोड़ी होइछि अनेक देशर ऐतिह्य और परंपरा आगामी दिन में यह विश्वविद्यालय सांस्कृतिक आदान प्रदान मुख्य माध्यम पलटिबो बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। वर्तमान भारत शिक्षा और ज्ञान केन्द्रस्थल पलटिछि भारत पुणी थरे सारा विश्व ज्ञान केन्द्र भाव में परिगणित हेउ बोली प्रधानमंत्री मिशन रही भारतर मानस संतान भाव में परिचित ही विश्वविद्यालय उद्घाटन उत्सव में 17 देशर राष्ट्रमुख्य जोगदे प्रकल्प अनेक पड़ोसी राष्ट्र सहयोग हाथ बढ़ाई अवसर में प्रधानमंत्री कैंपस परिसर में वृक्षरोपण कर नालंदा ये केवल नाम नहीं है नालंदा एक पहचान है एक सम्मान है नालंदा एक मूल्य है नालंदा एक मंत्र है गौरव है गाथा है नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना ये अपने आप में अभूतपूर्व है। तृतीय थर पर प्रधानमंत्री भावे शपथ नेबार मात्र 10 दिन पर नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस उद्घाटन करिछंती प्रधानमंत्री। 100 एकर परिमित नालंदा विश्वविद्यालय 40 क्लासरूम सह 2 एकेडमिक ब्लॉक रही 1900 छात्र छात्री पाठ पढ़ी पारे 300 सीट विशिष्ट 2 ऑडिटोरियम रही अत्याधुनिक सुविधा सुजोग रही 2000 लोकों बस एम्पी थिएटर फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रही अतीतर नालंदा ज्ञान गंताघर था आगामी दिन में पुणि थे यह विश्वप आलोकवर्तिका हो भारत सुवर्ण जुग पर मूलदुआ पड़े नालंदा निकटने पुणा ऐतिहर भग्नावशेष अनेक कीर्तिराज मुख साक्षी नालंदार अर्थ हो शिक्षा और संस्कृतिर धारा शिक्षा कौन सीमा भितर आबद्ध नुहे अतीतर नालंदा विश्वविद्यालय विश्वर विभिन्न देशर मेधावी विद्यार्थी को नाम लिखा सुजोग मिलूला एमंर मेधा ही एकम्र योग्यता और बर्तमान विश्वर 20 देशर छात्र छात्री नालंदा विश्वविद्यालय पाठ पढ़ा गर्वर विषय यह वसुधैव कुटुंबकम वार्ता दे 2047 सुधा भारत विकसित देश होगा लक्ष्य रखी एथ शिक्षा पद्धति अणा व्यापक परिवर्तन भारत युवपीढ़ी मध्य नूतन आशा संचार कर
नुआ शिक्षानीति आधार में विश्वर अनेक प्रमुख विश्वविद्यालय भारतीय छात्र छात्री को पढ़ार सुजोग दि जाऊँगी एपरिकी विदेश में अनेक प्रमुख शिक्षानुष्ठान शाखा खोल जा भारत में भारत हूँ भगवान बुद्धं देश गणतंत्र जननी कहुवा भारत सह काम करने को सबु देश उत्सुकतार अपेक्षा कर भारत मत को सारा विश्व अपेक्षा कर रही तेणु नालंदा विश्वविद्यालय विद्यार्थी एथिपाई गुरु दायित्व रही भारत नवनिर्माण में सारथी हे अमृत काल आगामी 25 वर्ष नालंदा देश को नुआ दिशा देखा प्रधानमंत्री अभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को भी दुनिया के कोने कोने में जाना है। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आप देखिए, जब भारत कहता है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो विश्व उसके साथ खड़ा होता है। जब भारत कहता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो विश्व उसके भविष्य की दिशा मानता है। जब भारत कहता है वन अर्थ वन हेल्थ, तो विश्व उसे सम्मान देता है, स्वीकार करता है। नालंदा की यह धरती विश्व बंधुत्व की इस भावना को नया आयाम दे सकती है। इसलिए नालंदा के विद्यार्थियों का दायित्व और ज्यादा बड़ा है। नालंदा नुआ कैंपस को संपूर्ण परिवेश उपयोगी करा जाएगी। नवीकरण योग्य शक्ति व्यवहार उपर दि जा गुरुत्व बर्ज्यवस्तु परिचालना जलर सदुपयोग उपर दि जा प्राथमिकता नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास सह गभीर संपर्क रही मूल नालंदा विश्वविद्यालय 1600 वर्ष तले प्रतिष्ठा होता जहां से समय विश्वर प्रथम आवासिक विश्वविद्यालय मान्यता पाई नालंदार से ही ध्वंसावशेष स्थल को 2016 जातिसंघ पक्षर विश्व ऐतिहर मान्यता मिली। हम नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहाँ पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहाँ सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहाँ पर पढ़ते थे। यहाँ पर चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। आज यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कार्यरत हो गया है। अब कितना बढ़िया बन गया, पहले से जो बन रहा था अब कितना अच्छा बन गया, कितना सुंदर बन गया। वर्तमान में यहाँ 17 देशों के 400 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी कितनी खुशी की बात है। यूनिवर्सिटी के लिए सभी बिल्डिंग एवं कैंपस काफी बढ़ा और बहुत सुंदर बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।